हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैफ क्रिएशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज की स्टूडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विजय महार की स्पेशल फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ जिस टाइप की फोटो को मैंने एडिट किया हुआ है, वो भी काफ़ी ईजी तरीके से। तो मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे इस फोटो को एडिट करना है, एंड जो भी बैकग्राउंड पेजेस का मैंने इसमें यूज़ किया है सबकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ जल्दी से फॉलो करो, वहाँ पर भी मैं काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट अपलोड करते रहता हूँ। एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ऐसी वीडियोज़ को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने वाला उसको मैंने यहाँ पर पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लिया है। कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऐड फोटो का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, एंड जो हमारा मॉडल है उसकी पीएनजी जिसका बैकग्राउंड मैंने पहले से इरेज कर रखा है उसको यहाँ से ऐड कर लेना है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा मॉडल है वो एक ही मॉडल हो एंड उसने दो अलग अलग पोज में फोटोज को क्लिक कराई हो सेम क्लॉथ्स के साथ। तो जो हमारा पहला मॉडल होने वाला है, जो हमारा मिरर के बाहर रहेगा, उसको मैं यहाँ से पहले साइड में कर देता हूँ, एंड जो मिरर के अंदर रहने वाली इमेज है मॉडल की उसको मैं यहाँ से लेता हूँ एंड मिरर के अंदर अच्छे से फिक्स कर लेता हूँ। तो कुछ इस टाइप से फिक्स करने के बाद आपको इरेजर के बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से ब्रश को नहीं इरेज को क्लिक करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमारा मिरर के बाहर आ रहा है उसको यहाँ से इरेज कर लेना है। कुछ स्टेप से आपको भी रेस कर लेना है इजी। तो इतना रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर लेना है एंड अब आपको ये दूसरी वाली जो फोटो है हमारी जो मिरर के बाहर रहने वाली है उसको यहाँ से ले लेना है एंड उसको बड़ा करना है एंड मिरर के सामने लगा लेना है अपने बैकग्राउंड के ऊपर। कुछ इस तरीके से तो दोनों मॉडल्स हमारे बैकग्राउंड के ऊपर अच्छे से फिक्स हो चुके हैं। मैं इसको यहाँ पर राइट पर क्लिक करके डन कर देता हूँ एंड तो हमारा पिक्सार्ट का काम जो है वो लगभग से कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ से ड्रॉ टूल में चले जाना है एंड इस फोटो को कर लेना है यहाँ पर सेव। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेव इमेज पर क्लिक करके इस फोटो को हमने कर लिया सेव। अब हम इस फोटो को ओपन करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो लाइटरूम में आने के बाद अब आपको यहाँ से ऐड फोटो के बटन पर क्लिक करना है एंड जो फोटो को हमने अभी पिक्सार्ट में सेव किया था उसको यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है। तो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है। अब मैं यहाँ से ऑल फोटोज पर क्लिक करता हूँ एंड जो हमारी फोटो को हमने ऐड किया है उसको यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारी फोटो। अब हम लाइटरूम के अंदर यहाँ पर रिटचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइट्स के ऑप्शन पर चले जाता हूँ, जो सन वाला आइकन है उस पर, एंड जो हाईलाइट्स है उसको आपको माइनस की तरफ ले जाना है -6, एंड जो शेडोज है उसको आपको प्लस की तरफ ले जाना है +10। तो इतना करने के बाद अब मैं यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाता हूँ एंड यहाँ से मिक्स को सेलेक्ट करके जो हमारा रेड कलर है उसकी सेचुरेशन को आपको -10 की तरफ ले जाना है एंड उसके बाद ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है, इसकी सेचुरेशन को आपको माइनस करना है -30 एंड लूमिनस को +10 की तरफ ले जाना है, जिससे हमारा मॉडल है उसका फेस काफ़ी अच्छा देखने को लगेगा। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट कलर को सेलेक्ट करना है येल्लो एंड उसकी भी सेचुरेशन को आपको माइनस की तरफ ले जाना है -25 के आसपास। एंड ग्रीन कलर तो हमारी फोटो में देखने को नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ से स्काई ब्लू कलर को सेलेक्ट करता हूँ, इसकी सेचुरेशन को माइनस कर देता हूँ -100 एंड उसके बाद ब्लू कलर को सेलेक्ट करता हूँ एंड उसकी सेचुरेशन को भी -100 कर देता हूँ। एंड उसके बाद नेक्स्ट कलर पर्पल, उसकी भी सेचुरेशन को मैं -100 कर देता हूँ एंड जो लास्ट कलर है उसकी भी सेचुरेशन को मैं यहाँ पर -100 कर देता हूँ। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर लेना है एंड डन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाना है एंड जो टेक्सचर है उसको आपको प्लस की तरफ ले जाना है ताकि हमारी फ़ोटो में क्लियरिटी इंक्रीज़ हो जाए। तो मैं यहाँ से 41% तक इंक्रीज़ कर लेता हूँ एंड आपको यहाँ पर विगनेट को भी माइनस की तरफ ले जाना है -10 एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर जाना है एंड जो फ़ोटो की शार्पनिंग है उसको भी यहाँ पर आपको इंक्रीज़ कर लेना है 40% तक, ताकि जो हमारी फ़ोटो है वो भी शार्प हो जाए एंड वो भी देखने में एकदम HD लगे। तो इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है
एंड सेलेक्टिव टूल को सेलेक्ट करना है एंड प्लस के आइकन पर क्लिक करके ग्रेडियंट वाला ब्रश आपको लेना है एंड नीचे से आपको कुछ स्टेप से अप्लाई कर लेना है एंड उसके बाद नीचे आपको एकदम फिक्स करके जो एक्सपोजर है उसको यहाँ पर आपको माइनस कर देना है। इतना करने के बाद आपको डन पर क्लिक कर लेना है एंड अब आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद थर्मामीटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो फोटो का टेम्परेचर है उसको आपको प्लस 4 की तरफ लेके जाना है एंड जो टिंट है उसको माइनस 2। तो इतना करने के बाद अब आपको दिखा देता हूँ मैं हमारी फोटो बिफोर एंड आफ्टर कैसी थी। तो हमारी फोटो पिक्सआर्ट में कुछ इस तरीके से थी एंड लाइटरूम में एडिटिंग करने के बाद हमारी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट हो चुकी है। एकदम रियलिस्टिक सा लुक इस फोटो के अंदर हमारे ऐड हो चुका है। तो यही था एकदम इजी तरीके से मैंने आपको बताया विजय महार की जो मिरर वाली इमेज है कैसे एडिट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना ऐसी वीडियोज़ को आगे देखने के लिए।